की तमारदारी की। अगले दिन उसने 2 दिनार निकाल कर ब्यारी को दिए और कहा, इसको देखभाल कर और अगर खर्चा ज्यादा हो तो मैं वापस आकर अदा करूंगा। थैंक यू। इस खूबसूरत तमसील को जब हम देखते हैं, इट्स नॉट अबाउट एक्चुअली गुड समैरिटन। यस, नो डाउट अबाउट इट, इट इज स्टोरी अबाउट अ यंग फेलो हु वेंट एंड हेल्प दैट पर्सन हु वाज हर्टिंग। पर अगर हम इसको शुरू से देखते हैं तो इट्स अबाउट किंगडम ऑफ हेवन, आसमान की बादशाही की बात है। आसमान की बात से इस तरह है, इस तरह वो यहाँ पे बात होती है कि वो जो एक शरीयत का जानने वाला था, he came and यीशु मसीह को वो आजमा रहा है। He is trying to look at whether यीशु कितने पानी में है in regard with the law and understanding of law। तो वो उसको कहता है कि okay, मैं चेक करना जरा यीशु कितने पानी से, how much he knows about the law। So he asked him about कि मैं किस तरह किंगडम ऑफ हेवन में जा सकता हूँ, हाउ कैन आई गेट इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। देन यीशु ने कहा, व्हाट हैव यू रेड इन योर बुक ऑफ लॉ। तो बताता है कि अपने सारे रूह और जान से खुदावंद की इबादत कर और अपने पड़ोसी को अपनी मान जान। यहाँ पे हम देखते हैं 3 अहम किरदार। सबसे पहला कौन था? प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट। What that represent is law, religion. Religion, सबसे पहले religion आया, तो religion क्या expect करता है कि आप उसके पास आओ, then he can guide you where to go, isn't it? मतलब ये कहता है ना कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, गिरजे आया करो, ज़कात दिया करो, चंदा करो, all these things, isn't it? Religion asks you to come to it, so then he can give you some guidance. उसके बाद कौन आया? Lavi. Lavi was the one that was used to work in the synagogue or church, in the temple. What? अपने status, अपने कामों के वसीले से they try to please God. जो मज़हब है, it fails that gunagar jo zakhmi tha, it couldn't help that. Aur uske baad Lavi jo apne status ki wajah se akad ke chal raha hai, he accept the same thing, tu ye karo wo karo to tab tum khudaon ki badshahi ko dekh sakte ho. Idhar se fail hua. Aur uske baad kaun aaya? The third person, who was a Samaritan. And you all knows कि समैरिटन के साथ यहूदी कैसा सलूक करते थे। Do you remember when Jesus was sitting at the well? उस औरत ने क्या कहा था कि तू यहूदी होता हुआ मुझे क्यों कहता कि पानी पिला? Because she knows that Jewish people जो थे वो सामरियों का करते थे, हेट करते थे, नफरत करते थे, they disregard, उनको इंसान तक नहीं समझते थे। वो बंदा जिसको हर तरह से रद्द कर दिया गया था, जब वो आया तो उसके अंदर क्या अंदर से आया? उसको तरस आया। He felt passion about that the person who was suffering from beating, who was naked. Naked कौन चीज करती है? गुनाह करती है, isn't it? जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो उन्होंने क्या देखा कि हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम नेकेड हैं, नंगे हैं। गुनाह क्या करता है? आदमी को नंगा कर देता है। और यही उस आदमी के साथ भी किया कि उन डाकुओं ने उसको क्या कर दिया? नंगा कर दिया। लेकिन जब सामरी ने देखा तो उस पर क्या आया? तरस आया। क्या आपको पता है किस और आदमी किसकी पर्सनैलिटी में शामिल था तर्स करना? यीशु मसीह। लिखा है यीशु मसीह ने कोढ़ी को देखा तो क्या उसके अंदर तरस आया। उसने अंधे को देखा तो क्या आया? तरस आया। सेम वे इस समैरिटन जो के रद्द किया हुआ था, लिखा है खुदा के कलाम में कि वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल
ना किया. Samaritan, that's the way to kingdom of heaven. जिसको रद्द किया हुआ था उसने कुर्बानी दी. वो दो दिन और तो कितने के दो महीने का खर्चा. That two dinar are enough for 2 months. He gave twice. और यीशु मसीह ने अपनी जान के वसीला से अपनी जान कुर्बान करके हमें मोल लिया है. He had bought us. सामरी ने वही किया. यीशु मसीह के करदार को हम सामरी की जिंदगी में देखते हैं. आज अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में आप दाखिल हो, आसमानी बाप की बादशाही में दाखिल हो, तो जरूरत है कि आप उस खिदमत को जो एक सामरी ने की, यीशु मसीह ने जो की, अपनी जान को हमारे लिए कुर्बान कर दिया. खुदा के कलाम में लिखा है जॉन 3:16 में क्या लिखा है, खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. That's what the message of, that's how we can get into the kingdom of heaven. Religion not gonna help you. Working in the church not gonna get you into heaven. It's Jesus Christ. I'm not saying these things are bad. Yes, these are secondary things. Pehli zarurat jo hai, wo Masih ko hame apni zindagi mein lene ki zarurat hai. Jab hum Masih ko apni zindagi mein lenge, then we can enter into the kingdom of heaven. मैं सुधर request करूँगा brother Western को तो अगर सामने आए तो दो कामों के लिए हम दुआ करेंगे. एक church की building के लिए कि खुदा हर एक ज़रूरत को पूरा करे. ये church हाथ नीचे वाला ना हो, हाथ ऊपर वाला हो, हमेशा bless करने वाला हो. और हम बड़ी ईमान से दुआ करेंगे कि खुदावंद जब आप यहाँ पे पहली इबादत करो ये चर्च फाइनेंशियली फ्री